हम राहुल गांधी जी को कंग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक यू। उनको जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, ये भाजपा क्यों अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। आज ये इंडिया की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, मोदी सरकार की पराजय है। पहली प्रतिक्रिया मेरी यही होगी कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो, देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद, देर आए, दुरुस्त आए, अच्छा है राहुल जी आए, संसद की दीवारें उनका इंतजार कर रही। प्रोसीजर होता है कि जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी कन्विक्शन होने पर और उनका और स्टे आया है सुप्रीम कोर्ट का, इतना उनको समय लगा उनको री इंस्टेट करने के लिए, उस पर ही सवाल उठ खड़ा होता है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है कि आप सदस्यता रद्द तो कर देते हैं, बहाल करने के लिए आपकी इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। साथ ही साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के MP का कन्विक्शन हुआ है, क्या उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, क्या उनसे घर खींच लिया गया है? तो ये सारी चीजें हैं, अभी हिपोक्रेसी दर्शाता है, बट वी वेलकम हिम बैक, होपफुली वो अपनी आवाज फिर से बुलंद करेंगे। देखिए, ये तो होना ही था, सत्ता पक्ष वालों का डर था, जिसके कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था वो गलत हुआ। हम कानून का रिस्पेक्ट हमेशा करते थे और एक बार फिर इस देश के कानून ने बताया कि लोकतंत्र सर्वोच्च है। मुझे लगता है कि फिर भाजपा वालों की, सत्ता पक्ष वालों की रातों की नींद हराम होने वाली है, हो रही होगी, लेकिन जितनी तत्परता आपने तेजी उनको डिस्क्वालीफाई करने में दिखाई थी, उतनी तेजी उनको बहाल करने में नहीं दिखाई।